मैं कीर्ति परोहा 12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, एग्जाम प्रिपरेशन की श्रृंखला में इंग्लिश सब्जेक्ट में आज हम आपको सेक्शन डी का जो टेक्सटुअल पार्ट है, मतलब जिसमें जो पोएट्री सेक्शन है, जिसमें पोम वगैरह दी हुई हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट हैं उसके हल हम आज यहाँ करेंगे, जो कि आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के आएंगे ऑब्जेक्टिव के तौर पर। तो इनको अपन अच्छे से हल करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्ट नंबर 1। सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे। शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड अप बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब इस पोम का नाम क्या है, तो ये मैंने आपको पढ़ाई चुकी है पोम। पोम का नाम है माई मदर एट 66। तो पोम का नाम है माई मदर एट 66 और जो पोएट है, इसके जो कवित्री हैं, उनका नाम है कमला दास। तो किसने लिखी है ये पोम का नाम है माई मदर एट 66 और पोएट है कमला दास। आपको जितनी भी पोम यहाँ आपकी बुक में है, प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो सिलेबस में है, उनके नाम और उनके जो पोएट के नाम है बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द पोएट नोटिस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। कवित्री आउटसाइड वर्ल्ड में क्या देखती है, ए रोड्स, बी हैप्पी चिल्ड्रन, सी बर्ड्स, डी बोथ ए एंड बी। तो कवित्री रोड आउटसाइड में देखती है कि हैप्पी चिल्ड्रन, बहुत खुश बच्चे हैं, मैरी चिल्ड्रन, देखो यहाँ लिखा है ना मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, तो सही आंसर क्या है, हैप्पी चिल्ड्रन। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रनिंग फास्ट, यानी तेजी से दौड़ने को इस पैसेज में कौन सा शब्द यूज किया है। तो हम देखते हैं स्प्रिंटिंग, तो रनिंग आउट फास्ट का मतलब होता है स्प्रिंटिंग, जो कि इस पैसेज में यूज किया गया है। तो ये बिल्कुल सरल क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स के हैं बेटा, तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लो। आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब जब वो माँ को अपनी छोड़ने, माँ जब उसकी छोड़ने आती है ना एयरपोर्ट पर, तो उसको डर लगता है कि कहीं उसको दोबारा उसकी माँ मिलती है कि नहीं मिलती। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट वॉज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, यानी उस कवित्री के बचपन का क्या डर था। ए लॉसिंग मदर, बी शिफ्टिंग फ्रॉम पेरेंटल हाउस, शिफ्टिंग टू अ न्यू सिटी, अ डार्कनेस। तो उसका चाइल्डहुड फियर क्या था कि लॉसिंग मदर, कहीं वो अपनी माँ को खो ना दे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैज बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून। अब इस पैसेज में जो लेट विंटर्स मून आया, उसको किससे कंपेयर किया है, ए बेस्ट फ्रेंड, बी मदर, सी डॉटर या डी सिस्टर। लेट विंटर मून मतलब जो एजिंग में हो जाता है, तो यहाँ पर उन्होंने इसको लेट विंटर मून को कंपेयर किया है अपनी माँ से। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स सजेस्ट। अब जब वो अपनी माँ से मिलके जाती रहती है, तो उसको कौन से वर्ड सजेस्ट हैं, तो इसमें दिया हुआ है, देखो ध्यान से, सी यू सून अम्मा। तो इसका आंसर 3 क्या हो जाएगा, सी यू सून अम्मा। कितना इजी है ना बेटा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। एक्सट्रैक्ट नंबर 3, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी डज ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। अब जब वो बता रही है कि जब वो कोचीन से लास्ट फ्राइडे अपनी माँ को, माँ उसको छोड़ने आई, तो उसने देखा कि मेरी माँ कैसी डॉज, यानी कैसे थकी हुई थी, खुले मुंह की, और उसकी जो बॉडी थी वो किसी डेड बॉडी की तरह लग रही थी। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा, पहला नेम द पोम, पोम का नाम क्या है, तो पोम का नाम मदर से हमेशा याद रखना, माई मदर एट 66 ये पोम का नाम है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, उसने अपनी माँ के बारे में क्या नोटिस किया, उसने क्या नोटिस किया, तो ये वाली लाइन में लिखा, आई सॉ माय मदर बिसाइड मी ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक दैट
ऑफ अ कॉप्स, तो यहाँ पे क्या जाएगा, शी नोटिस दैट हर मदर हैड डॉज्ड ऑफ एंड लुक लाइक अ कॉप्स। सी देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डेड बॉडी। डेड बॉडी शब्द को यहाँ पर कौन से शब्द से डिनोट किया गया है, तो यहाँ डेड बॉडी शब्द को बताया है कॉप्स से, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉप्स हो जाएगा। अब देखते हैं एक्सट्रैक्ट नंबर 4। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच। अब यहाँ पर काउंटिंग वाला आ रहा है, तो ध्यान रखना कि काउंट करके शांत रहने वाला पोम है, तो उस पोम का नाम है कीपिंग क्वाइट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। From which poem has the extract been taken? A. My mother at 66. B. A thing of beauty. C. है keeping quiet. और D. है an elementary classroom in a slum. तो अब यहाँ पर सही आंसर है C. keeping quiet. यानी 12 तक काउंट करो और keep still लिखा है ना? Keep शब्द से आपको ध्यान आएगा इस poem का नाम। Question number 2. Who is the poet of keeping quiet? कीपिंग क्वाइट के जो कवि हैं वो कौन है? ए कमला दास, बी स्टीफन स्पेंडर, सी पेब्लो नेरुडा और डी है जॉन कीट्स। तो यहाँ पे सही आंसर है कीपिंग क्वाइट के जो पोएट हैं उनका नाम है पेब्लो नेरुडा। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डज द पोएट वांट्स अदर्स टू डू? कवि क्या चाहता है कि दूसरे लोग भी करें? ए टू कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्ट, B. To make noise and find fault, C. To spread wars all around, D. है none of the above. तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, कभी क्या चाहता है कि लोग शांत रहें और अपने बारे में अपना अवलोकन कर सकें, तो to keep quiet and introspect. Question number 4. Why should we keep quiet according to the poet? अब हमको क्यों चुप रहना चाहिए पोएट के हिसाब से? A. For attaining peace, for maintaining brotherhood, for silence, all of the above. तो सही बात है, सारी चीज़ for attaining peace, for maintaining brotherhood, for silence, तो इसका सही आंसर है all of the above. स्टॉप, क्यों नहीं आ रहा अगला? एक्सट्रैक्ट नंबर 5 को देखें। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिंड फॉर द माइटी डेड। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम हेवंस ब्रिंक। अब यहाँ पर इस पोम का नाम बताना है। इस पोम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी और इसके जो पोएट हैं वो हैं जॉन कीट्स। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी और पोएट का नाम है जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस इमोर्टल ड्रिंक ऑन अस? ए गिव्स इमोर्टलिटी, बी गिव्स इमेंस जॉय एंड प्लेजर, सी गिव्स वेल्थ, डी गिव्स पावर। तो यहाँ पर इमोर्टल ड्रिंक का मतलब इमोर्टलिटी से नहीं है, यहाँ पर है gives immense joy and pleasure, जहां पर बहुत ज्यादा आनंद और खुशी प्राप्त हो सके। थर्ड क्वेश्चन देखें। राइट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स। अब इन शब्दों का एक्सट्रैक्ट से मतलब निकालो जिसका मतलब निकलता है। जैसे स्टोरीज, स्टोरीज मतलब टेल्स। स्टोरीज का सही आंसर क्या, टेल्स। और मैग्निफिसेंट का मतलब होता है ग्रैंडअर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रैंडअर। अब चलते हैं एक्सट्रैक्ट नंबर 6 की तरफ। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज फॉर ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज made for our searching. Yes, despite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits.
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन देखो, वाई आर बी डिस्पोंडेंट? आंसर है वी आर डिस्पोंडेंट ड्यू टू लैक ऑफ नोबल पीपल। लैक ऑफ नोबल पीपल के कारण हम कैसे हैं? डिस्पोंडेंट हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, व्हाट रिमूव्स पर्ल फ्रॉम अवर डार्क स्प्रिट? तो ए है ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ऑल द अनहेल्दी थिंग्स, नेचर्स ब्यूटी। तो सी है, सही आंसर है नेचर्स ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूमिंग? ग्लूमिंग का क्या मीनिंग निकलेगा? ए ऑल द अनहेल्दी थिंग्स, डार्क स्पिरिट्स, सी डल एंड डिप्रेसिव, और डी नन। इसका राइट आंसर है सी डल एंड डिप्रेसिव। अब देखते हैं हम एक्सट्रैक्ट नंबर सेवन, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट ऑफ एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पैड, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लीड, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश होज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड वाइदरिंग फेंट। अब इसके हमको पोम का नाम लिखना है। पोम का नाम इसी कहीं पे मिल रहा है हमको, रोड साइड स्टैंड, और इसके जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डू द फ्लावर्स ऑफ सिटीज इन अ रोड साइड स्टैंड रेफर टू? ए सिटी पीपल, बी सिटी कार्स, सी अर्बन क्राउड, और डी है द प्लेजर्स ऑफ सिटीज। तो राइट आंसर क्या है? डी द प्लेजर्स ऑफ सिटीज। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज अ रोड साइड स्टैंड इन द पोम? अ बस स्टॉप, अ वेटिंग पॉइंट, अ शेड आउटसाइड अ रोड साइड ओल्ड हाउस, डी नन। इसका राइट आंसर इज सी, अ शेड आउटसाइड अ रोड साइड ओल्ड हाउस। तो बच्चों ये थे पोम एक्सट्रैक्ट जो कि 3 नंबर के आना है, इनकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सप्लीमेंट्री रीडर के एक्सट्रैक्ट करेंगे। थैंक